उन्होंने कहा कि रूमिया दारह सफा मुसलमान दिन सफा आप नाबीना सन। आपने फरमाया यार मैनू भी नाल लै चलो। उन्होंने कहा बाबा जी जंग लड़ा कि तुम सफा लेंगे। आपने फरमाया यार तुम जंग लड़ना जे कोई मुश्किल वक्त बन गया तो तुम अगे पिछे हो जाओगे। अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम को झंडा पकड़ा देना मेरी अखा कोई नहीं मैं तो नसण जोगा भी कोई नहीं मैं झंडा लैके तुहाड़ा उत्थे मैदान में खड़ा रहांगा। असी उन्होंने वारिस हाँ हाँ असी उन्होंने वारिस हाँ जिन्हों की अखा ना भी होवन ओ हुजूर दी नामूस वास्ते इस्लाम वास्ते जंगे यरमूक पहुंच जाते हैं। तो फिर आसमान ने वह मंजर देखा कि मुसलमानों को फतह हुई और जब हजरत उम्मे अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम की लाश देखी गई तो आपने सीने नाल आपका झंडा सी और आप शहीद हो चुके सर। ते सानू मरने वेले भी उस वक्त दे गए कि जे दुनिया तो जाना भी है तो हजूर की नामूस ते मसलन लाइन सीने नाल ला के जाना। यह नहीं आखना कि मैं लिख के दे देंगा था थाने च साडा कोई ताल्लुक नहीं आके आखा कोई नहीं है सीने नाल झंडा ला के जा रहे हैं दुनिया तो। इस वास्ते साडे कायद ने कहा कि मकाम पैस राह में कोई जचा ही नहीं जो कुए यार से निकले तो सूएदार चले। बस मदीना पाक तो निकल के यरमूक चले गए। हाँ जब तो इस्लाम नू लोड़ पावे तो भज के उधर नहीं जाइदा बल्कि जिथे करबला लगी होवे उथे जाइदा फिर बहादुर नाल लै के जाइदा। ते असीं उन्हां दे मनन वाले आ जिहड़े घर नहीं रखते सैयद जिहड़े साडे नाल सैयद नू घर नहीं रखते बल्कि ओ अकबर ओसगर नू नाल लै के टुरदे ओ निक्का ली होवे या छो वड्डा ली होवे नाल लै के करबला चा देंदे ने। ते फिर सारा कुछ गवा के कहंदे ने मौला तू राजी दा सी राजी मतलब मर्जी शोभा है फिक्र होवो वकील होवो डॉक्टर होवो साफी होवो सियासतदान होवो तुहाडा काम है हुजूर दी नामूस दे उत्ते गल करना। ये सिर्फ साडा काम नहीं असीं तुहानूं सबक दसी जा रहे हैं तुसीं करो ना करो असीं करांगे। हाँ असीं तुहानूं दावत ते फिक्र दे रहे हैं कि कल तुसीं हौज़े कौसर ते हुजूर कोल जावें कौसर पीना उस वास्ते तुसीं खड़े होना कि या रसूल अल्लाह सी फस गए साडी शफात करो। ते मेरे आका मौला उस दिन कहणगे कि जदों लबैक वाले बाहर आके आंदे सन कि उस मलून नूं कढो इत्थों उसके परवाने नूं कढो इत्थों तो उसके सफीर नूं कढो ते तुसीं आखदे सी जी ये मौलवियां दा झगड़ा। ये मौलवियां दा झगड़ा नहीं है हजूर की जात का झगड़ा ये हजूर की नामूस रिसालत का झगड़ा। साडा कोई जाति झगड़ा नहीं साडा सिर्फ और सिर्फ हजूर की जात नाल तेरे दुश्मनां नाल दुश्मनी। ते मेरा हर सजन तेरे वास्ते साडा बच्चा माल दौलत हर शै हजूर वास्ते। बस साडा एक ही मकसद है कि तुहाडे दुश्मनां नाल आ तेरे दुश्मनां नाल दुश्मनी ते मेरा हर सजन तेरे वास्ते। बस हजूर वास्ते तेरे दुश्मनां नाल दुश्मनी ते मेरा हर सजन तेरे वास्ते। कुफर ने की किया मैं पढ़ रहा सा कि जड़ा एटम बम वाला बक्सा ना वो इक्तदार दे मुंतकिल होने सदर तो अगले सदर को मुंतकिल हो जाता और हर बंदे को ओ, एक खास सिपाही है अमरीकी सदर के नाल जड़ा वो एटम बम वाला बक्सा लैके फिरदा नाल 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 ए उना एटम बम दा बक्सा कादे वास्ते रखिया जी रियासत दे मदीना दी हिफाजत वास्ते ओ रियासत दे अमरीका दी हिफाजत वास्ते। जे अमरीका दे खिलाफ अगर कोई गल करेगा तो सदर एटम बम दा बक्सा नाल लैके हर मीटिंग च जो इकतदार उन्हें को आ जाता वो बंदा तो बक्सा उन्हें कोल रहा। यार असी हजूर की नामूस वास्ते एक तलवार बुलंद करके कह दी ये मन सबा नबी जन फकतुल हो तो साढ़े अपने दर्द शुरू हो जाए। सोचने वाली गल है क्यों एटम बम लेके नाल फिरता कि खबरदार कोई अमरीका गल करे कोई अमरीका नाल लड़ाई का सोचे एटम बम का डब्बा मेरे कोल है मैं बटन दबा देंगा। तो वह भी याद रखे कि तेरे को एटम बम बन तो साढ़े को भी गाजी मुद्दीन है और गाजी मुमताज हुसैन कादरी है और अलामा खादिम हुसैन रिजवी है और जानिया जानिया साढ़े को मुहम्मद बिन मसलमा है खालिद बिन वलीद है असी उन्होंने बारे सा है जो साढ़े उत्ते मुसलत हो गए ये सारे मीर जाफर के मीर सादिक की नसल है ये साढ़े उत्ते आ गई कुछ देर वास्ते। इंशाल्लाह कोई बात नहीं ये सुबह होने लगी
लेकिन इस वास्ते तुहानू संजीदा होना पैना। तुहानू यह नहीं कहना पैना जी कदे तब्दीली का नारा आवे तो उहदे पिछे नस पवो, कदी कोई इधरों बोली बोले तो उधर नस पवो। और अल्लामा इकबाल कहता तू बदल गया तो बेहतर के बदल गई शरीयत, के मुआफिके तदरवा नहीं दीन शाहबाजी। अल्लामा इकबाल कहता है शाहबाजा का दीन है ये मुआफिक आंदा लबैक वालिया नूं, ये अंदर बह के तस्बी फेरन वाले नूं मुआफिक नहीं आंदा। हाँ तस्बी फेरो तो कोई चज दी फेरो ना, तो उन्होंने उल्टा करो तुम मुड़ मुड़ के कहते हो जनाब इन्होंने की करना इन्होंने की करना, और कम अज कम लैंड का ना बदलो, अपनी तरतीब का स्थिति रखो। थोड़े वे कौन किस वास्ते, कौम थोड़ी हिफाजत करती, कौम थानू नजराने देती, कौम थोड़े हाथ चुमती, कौम थोड़े पैर चुमती, कौम थोड़े दरबार आबाद करती। हुजूर दी निस्बत है इज्जत और नामूस का मसला विचों कट दो, तुम कौन हो साढ़े वे कौन। अलामा खादिम हुसैन इसी असी इस वजह तो मनिया कि वे अलामा साहब सन, नहीं ना मनिया वो वे हाफिज सन।